Hello dear viewers, welcome back again. Today in this session we will differentiate between two terms, that is tumor and cancer. तो ट्यूमर और कैंसर में अंतर क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन की, ट्यूमर होता क्या है। तो ट्यूमर इज़ नथिंग बट इट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ लम्ब्स इन बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर लम्ब्स का बन जाना, वो भी किस वजह से, एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ की वजह से। तो ऐसा जो बॉडी में लम्ब्स बनता है उसी को हम बोलते हैं ट्यूमर। नाउ बात करते हैं कैंसर की, कैंसर का क्या मीनिंग है। तो इट इज़ दी अनकंट्रोलेबल डिवीज़न एंड स्प्रेड ऑफ दिस सेलुलर ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलुलर ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, अगर इसका अनकंट्रोलेबल डिवीज़न और स्प्रेडिंग शुरू हो जाए, एक तो अनकंट्रोलेबल डिवीज़न भी शुरू हो और साथ साथ में वो डिवीज़न होने के बाद वो सेलुलर ग्रोथ का स्प्रेड भी होने लग जाए पूरी बॉडी में, तो ऐसे जो डिवीज़न एंड स्प्रेड को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा। सबसे पहला होता है बिनाइन ट्यूमर। तो ये वो ट्यूमर होता है जो बॉडी के किसी एक पार्ट में कन्फाइंड रहता है, मतलब बॉडी के किसी एक एरिया में ही ये सीमित रहता है, वहाँ से स्प्रेड नहीं होता, तो ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। और इसका दूसरा टाइप है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये वो ट्यूमर है जो बॉडी के किसी एक पार्ट में कन्फाइंड न होते हुए पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये ट्यूमर के टाइप्स हुए। नाउ बात करते हैं कैंसर। तो कैंसर इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। नंबर वन ए, पहला है कार्सिनोमा। इट इज़ द ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल, मीन्स एपिथेलियल सेल से जो ट्यूमर ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। दूसरा है इसमें सार्कोमा। इट इज़ दी ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज बोन एंड फैट। तीसरा होता है मेलानोमा। सो इट इज़ दी ट्यूमर ऑफ मेलानोसाइट। मेलानोसाइट्स क्या हैं, तो ये पिगमेंट कंटेनिंग सेल हैं बॉडी के अंदर जिसमें मेलानिन भरा रहता है। नाउ चौथा होता है लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया क्या होता है, तो इट इज़ दी ट्यूमर ऑफ ब्लड सेल्स लाइक WBC एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये तो इन दोनों का टाइप्स हुआ। नाउ थर्ड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में ट्यूमर के केस में क्या अवेलेबल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हैं सर्जरी, मींस सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस ट्यूमर इज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द केस ऑफ ट्यूमर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द केस ऑफ कैंसर, तो इसमें है सर्जरी, मींस सर्जिकल रिमूवल ऑफ दिस कैंसरस टिश्यू। दूसरा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, तो कीमोथेरेपी मीन्स किलिंग ऑफ रैपिडली ग्रोइंग कैंसरस सेल्स विथ पावरफुल केमिकल, तो इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। इन रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी रेडिएशन इज यूज्ड टू श्रिंक द ट्यूमर एंड टू किल द कैंसर सेल्स बाय डैमेजिंग देयर DNA। So this is basically the difference between tumor and cancer. I hope you understand the concept. Thank you.